इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 29 जो हमें दे रखा है, इसमें आपसे बोला गया है, थोड़ा पढ़ ले रहे क्वेश्चन को। सो दैट सोन बिलो इज अ सर्कल एंड टू कॉन्ग्रेंट स्क्वायर पी क्यू आर एस एंड क्यू टी यू आर। एक बार डायग्राम जरूर देखना ध्यान से। एच टी एस यू यू टी आर द टेंजेंट। देखो बच्चों, एच टी मतलब ये पूरी आपको दे रखी है इधर, ये वाली लाइन एच टी, और एस यू आपको ये दे रखा है, और यू टी, यू टी की अगर मैं बात करूँ तो हमें ये टेंजेंट दे रखी है। टेंजेंट आप सब लोग जानते हैं, सर्कल की बाउंड्री से टच होके जाती है। तो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज 10। ठीक है ना, साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज 10, मतलब ये यहाँ से लगा के यहाँ तक आपको 10 दे रखा है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊँ ये छोटा सा डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, साइड लेंथ आपको इसका पूरे का 10 दे रखा है। ठीक है भाई, स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती है, तो ये सारी की सारी वैल्यू आपको 10 दी हुई है। इतनी बात क्लियर हो जाती है। यहाँ से अगर मैं आपको छोटे छोटा सा बात बताऊँ, तो अगर ये हमारे पास 10 है, तो इधर का भी हमारे पास कितना हो जाता है 10, ये वाली बात समझ में आती है। तो टोटल हमारे पास कितना बन जाता है, ये यहाँ से टोटल हमारे पास कितना बन जाता है, ये इतना 10 + 10 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। 20 हो गया, ये वाली बात समझ में आ गई आप सभी को। तो 20 जब हमारे पास ये बन गया बच्चों, यहाँ से एक बार बताना, छोटा सा जो स्क्वायर ये अंदर दे रखा है, इस वाले स्क्वायर के अंदर भी घुमा के लेके आते हैं तुम्हें। तो यहाँ पे ना अगर सपोज करो ये एक्स हमारे पास है, ये कितना है एक्स हमारे पास है, इधर से सपोज करो ये वाली साइड भी मैंने इसका एक्स एज्यूम कर लिया, ये इसकी सारी की सारी साइड मैंने कितनी एज्यूम कर ली, एक्स एज्यूम कर ली है, छोटे वाला स्क्वायर है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से आपको पता है जो टेंजेंट होती है हमारे पास, ये पूरी देखो पूरी 10 है, पहले तो पूरी पूरी बात 10 10 समझ में आई, और तो नीचे कितना हो जाएगा ये 10 - x हो जाएगा, क्योंकि देखो पूरा 10 है, तो ऊपर में से 10 - x करेंगे तो ये यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया 10 - x। इतनी बात समझ में आ गई, 10 - x के मैंने कैसे निकाला। उसके बाद जो है हमारे पास, आप लोग जानते हैं कि अगर 10 - x ये मेरे पास है, तो इधर वाली वैल्यू भी मेरे पास कितनी होगी, ये 10 - x होगी। क्यों होगी, क्योंकि भाई इधर से टेंजेंट बराबर होती है दोनों, ये आपने पढ़ा है थ्योरम में। अब एक बार बताना, ये 10 - x आई, ऐसे ही बच्चों एक बार बताओ, यहां से जब अगर मैं इसको छोटा सा और चेंज करता हूँ क्वेश्चन को, ये टोटल 20 है, यहां तक कितना है एक्स है, मतलब ये छोटा सा डिस्टेंस मेरे को कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है। और इस वाली लेंथ को अगर मैं निकालू यहां से लगा के यहां तक का, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 20 - x आ जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है 20, और 20 में से छोटा सा पार्ट करेंगे तो 20 - x हो जाएगा। अब जब ये 20 - x है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 20 - x हो जाएगा यहाँ तक का डिस्टेंस, क्योंकि भाई ये भी तो देखो टेंजेंट है, इधर और इधर 20 - x और 20 - x दोनों टेंजेंट हो गई। ये वाली बात सबको कुछ समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब हमारे पास जो हमें क्या बताना था, रेडियस ऑफ द सर्कल हमें बताना है, सो योर वर्क। तो हम इसकी सर्कल निकालने के लिए काम कर रहे हैं। तो इतनी बात हमारी समझ में आ गई सभी की बच्चों। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस वाले अगर मैं बताऊँ, इस वाले की बात करते हैं, देखना भी यहाँ पे, अगर मैं बताऊँ ये टोटल जो है ये एस है और ये क्या है टी, हम ना एस टी को फाइंड आउट करते हैं। एस टी हमारे पास कितना है, 20 - x, कितना है 20 - x और प्लस के 10 - x, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 30, 30 माइनस 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 प्लस, तो माइनस के 2x। एस टी की लेंथ मेरे पास आ गई 30 - 2x आ गई, प्लस कर देंगे इसको और इसको, तो हमारे पास टोटल एस टी आ जाएगा। अब यार एक बार बताना, इस पूरे ट्राइंगल को देखो, इस पूरे बड़े ट्राइंगल को देखो, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, साफ साफ दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका नाम हमारे पास क्या है, एस यू टी। तो इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एस यू टी, अगर हम इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, कौन सा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, तो आप सब लोग जानते हैं कि जब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से, मतलब इसका 20, मतलब जैसे ट्राइंगल हमें ऐसे दिया, हमें पता है दिस इज एस टी, एस टी को मत लिखो, ये 30 - 2x दे रखा है एस टी, ये 20 है और ये हमारे पास कितना था टोटल 10। तो यानी जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 20 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर सोल्व करेंगे, तो वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर आएगा। हाइपोटेनियस हमें गिवन है, हम उसको रखेंगे भी 400 + 100, तो जब आप इसकी हाइपोटेनियस निकालेंगे तो √500 आ जाएगी, कितना आ जाएगी √500, यानी 500 जो है हाइपोटेनियस इसकी आ जाएगी। जब आप 500 को करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 10√5 फाइनली, तो हाइपोटेनियस हमारी ये आ जाएगी 10√5। ठीक है, अब जो ये 10√5 हमारे पास है,
ये 10√5 को क्या हम 30√5 के ये सॉरी 10√5 जो है हम इसको 30 माइनस के 2 माइनस 30 माइनस के 2x के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है हमारे पास हाइपोटेनियस है। इसको यहां से सोल्व करते हैं 10√5। एक काम करते हैं, इसको ऐसे ना सोल्व करके ना थोड़ा सा वैसे सोल्व करना, ये 2x को इधर लेके आओ, तो इधर हमारे पास कितना है 30 माइनस के 10√5। यहां से हम क्या करेंगे 10 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो अंदर कितना बचेगा भाई 3 माइनस के रूट 5, और इधर कितना है हमारे पास 2x, तो ये 2 से 5 बार रिड्यूस हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो बच्चों हमारे पास जो x का वैल्यू आएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो यहां से हमारे पास x का वैल्यू आएगा वो 5 माइनस के 3√5 आएगा। आएगा नहीं आएगा? इतनी बात समझ में आ गई? तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो यानी 15 माइनस के रूट 5 रूट 5 भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 5 की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी है, 3 और 5 रूट 5 एक्स का वैल्यू मेरे पास आ जाता है। तो एक्स का वैल्यू मेरे को क्या करना था, इस वाले स्क्वायर में फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल भाई, सर्कल ये है, ये मेरे पास क्या है x, इसी वाले x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी, तो ये वाला x मेरे पास आ गया 15 माइनस के 5√5। तो होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।